गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का चैप्टर 8 पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर 8 मेनली ये रेट्रोफिटिंग के बारे में है। रेट्रोफिटिंग क्या होता है, रेट्रोफिटिंग में किस तरह के मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेट्रोफिटिंग होता क्या है। रेट्रोफिटिंग का मतलब ये है पश्चिद्रीकरण। रेट्रोफिटिंग मेनली जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो बिल्डिंग्स कमज़ोर हो जाती हैं, किसी भी रीज़न से कमज़ोर हो जाती हैं, उनको सुरक्षित बनाने के लिए जो प्रोसीजर होता है, जो तरीका होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा पश्चिद्रीकरण या फिर रेट्रोफिटिंग कहलाता है। ठीक है, अब ये बिल्डिंग चाहे अर्थक्वेक की वजह से कमज़ोर हुई हो, चाहे उनकी मरम्मत ना होने के वजह से कम हुई हो, या उसमें ख़राब मटेरियल्स की वजह से कमी हुई हो, किसी भी तरीके से उस बिल्डिंग में जो कमी आई है, जो दिक्कत आई है, उसको सही करने का जो प्रोसेस होता है वो रेट्रोफिटिंग कहलाता है। मेनली रेट्रोफिटिंग को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू। कैटेगरी में वन में ऐसी संरचनाएं आती हैं जिनमें भूकंपीय सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें काफ़ी अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं जो अर्थक्वेक बिल्डिंग को रेजिस्टेंट बना दे, तो चूँकि वो बिल्डिंग काफ़ी महंगी हो जाती हैं इतने इक्विपमेंट्स लगाने के बाद, इस वजह से उनका रेट्रोफिटिंग काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। और दूसरी वो बिल्डिंग्स आती हैं जो कि पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, जो कि 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, जिनमें किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, क्योंकि बिल्डिंग्स चूँकि पुरानी है, उनमें लोग रह रहे हैं, इस वजह से कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से उसमें दिक्कत आ जाती है, या हो सके वो भूकंप से ही क्षतिग्रस्त हो गया हो। ठीक है, तो दूसरी तरीका ये होता है। रेट्रोफिटिंग शब्द का मेनली मतलब दो चीज़ों से है, पहला चीज़ है रिपेयर और दूसरा चीज़ है स्ट्रेंथिंग। रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत, बिल्डिंग की मरम्मत करना और बिल्डिंग में मजबूती प्रोवाइड करना, यानी उसका दृढ़ीकरण करना, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो रेट्रोफिटिंग मेनली दो चीज़ों से ही मिलकर बना होता है, रिपेयर एंड स्ट्रेंथिंग, उसका मरम्मत और उसका दृढ़ीकरण करना। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि जब बिल्डिंग ख़राब हो जाएगी, बिल्डिंग में कुछ ना कुछ क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तो आखिर पब्लिक उसमें कैसे रहेगी, कोई इसमें नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो बिल्डिंग की टूटने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि बिल्डिंग में रेट्रोफिटिंग की जाए। सबसे पहला इसमें ये आ जाता है कि भूकंप से क्षतिग्रस्त जो भवनें हैं वो बिल्कुल भी रहने के लायक नहीं होती, या रहने के लायक भी होती हैं तो उनमें कभी भी कोई भी दिक्कत हो सकती है, इस वजह से रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता है। दूसरा ये है कि भवन में परिवर्तन के कारण, भवनों में कभी कभी क्या होता है, काफ़ी दिन से वो भवन बने होते हैं तो बीम्स कॉलम कमज़ोर हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल सेक्शन होते रहते हैं, उसमें मूविंग लोड्स हैं, लाइव लोड्स हैं, और उसमें डेड लोड भी होता है, जिनकी स्थान चेंज होते रहते हैं, बहुत सारे चीज़ों की वजह से उसमें क्या होती है, सेंसेस आते हैं, उसके वजह से भी क्या होता है, बिल्डिंग कमज़ोर होता है। आगे आता है भूकंपीय जोन का उच्चीकरण। भूकंपीय जोन का उच्चीकरण ये है कि अगर किसी बिल्डिंग को हमने जोन 3 में बनाया है, तो जो 10 साल बाद या 15 साल बाद ये बिल्डिंग क्या होगा, ऑटोमेटिक जोन 4 में चला जाएगा। या कहने का सेंस ये है, जैसे कि गोरखपुर हमारा 20 साल पहले 10 साल पहले जोन 3 में आता था, लेकिन आज के समय में ये जोन 4 में आ रहा है। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि हम उस बिल्डिंग को इस तरह बनाएं कि वो अगले जोन के लिए कंफर्टेबल हो जाए, कि अगर अगले जोन का भी भूकंप आता है या फिर थोड़ा हार्ड भूकंप आता है तो उसको वो सस्टेन कर ले जाए। आगे आता है विकल्पन तकनीकी का सुधार। जैसा कि हम जान रहे हैं कि डे बाय डे टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, आज के टेक्नोलॉजी में और आज के 20 साल पहले के टेक्नोलॉजी में काफ़ी अंतर था, तो सेम चीज़ है कि जो भी हमारे बिल्डिंग में डिज़ाइनिंग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं हम उसको सॉल्व करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिलॉसफी ऑफ रेट्रोफिटिंग, रेट्रोफिटिंग के दर्शन के बारे में। तो मेनली ये दो इसकी फिलॉसफी होती है, दो तरीक़ों से ये वर्क करती है। पहला ये है कि साधारण भूकंप में संरचना पूर्णतः सुरक्षित बने। पहला क्या है कि अगर एक नॉर्मल अर्थक्वेक आता है 0.3 का, 0.4 का, या फिर 5 तक आता है, 4 या 5 हम नॉर्मल मानते हैं, 4 या 5 तक आता है, तो हमारी बिल्डिंग क्या है, सुरक्षित बनी रहे। और दूसरा ये आता है कि अगर भूकंप थोड़ा कम है या मीडियम भूकंप है, जैसे कि 6 हो गया या 6.5 हो गया, इसको मीडियम बोलते हैं, तो मीडियम भूकंप पे जो संरचना है ये पूर्णतः सुरक्षित बने रहे। तो ये दो तरीके की इसकी फिलॉसफी होती है। आगे आ जाते हैं हम इसके प्रिंसिपल्स पे। तो प्रिंसिपल्स क्या क्या प्रिंसिपल्स देख लेते हैं, अर्थक्वेक रेट्रोफिटिंग के क्या प्रिंसिपल है, पश्चिद्रीकरण के प्रिंसिपल। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि भूकंप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं का ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए,
भवन में सारे क्षति को नोट कर लेना चाहिए। जैसे कि हम कोई भवन का रेट्रोफिटिंग करना चाह रहे हैं तो उस भवन में क्या दिक्कतें हुई हैं, किन किन चीज़ों में नुकसान हुआ, जैसे वहाँ के बीम्स सही हैं कि खराब हो गए हैं, कॉलम सही हैं कि खराब हो गए हैं, वहाँ के वॉल्स देख लेना चाहिए, वहाँ के स्लैब्स देख लेना चाहिए, डोर्स देख लेना चाहिए, उस बिल्डिंग में जो जो चीज़ की कमी है उनका हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक इसमें आता है रेट्रोफिटिंग का जो कार होता है ये एक सीरियल वाइज में करना चाहिए, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना चाहिए कि अगर सबसे पहले जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं जैसे बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, इनमें जो नुकसान हुआ है पहले इनकी रिपेयरमेंट करनी चाहिए, फिर बाद में किसी चीज़ को ध्यान देना चाहिए। मतलब जो सीरियल है उस सीरियल वाइज एक आर्डर वाइज हमको ये करना चाहिए। नेक्स्ट आता है संरचना के पुराने व भूकंप से ग्रसित घटकों की मरम्मत या इनकी संधि का एक कठिन कार्य है। एक्चुअली बिल्डिंग्स में होती क्या है, बिल्डिंग्स में जो पुराने स्ट्रक्चर्स होते हैं या जो पुराने पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं अर्थक्वेक आने के बाद, या फिर उनका जो जॉइंट्स रहता है जैसे बीम और बीम कॉलम और स्लैब का जहाँ पे जॉइंट्स है सबसे ज़्यादा मजबूती वहीं पे चाहिए होता है हमको। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा संधि होता है, जो हमारा कॉर्नर होता है जहाँ पे तीनों आके ज्वाइंट करते हैं, सबसे ज़्यादा सीयर फोर्स वहीं डेवलप होता है, सबसे ज़्यादा ट्विस्टिंग वहीं डेवलप होता है एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। इसलिए हमको ये सर्टेन कर लेना चाहिए कि वो हमारा पॉइंट मजबूत है कि नहीं। अब आते हैं स्टेज के, रेट्रोफिटिंग के क्या स्टेज होते हैं। तो मेनली रेट्रोफिटिंग को हम तीन स्टेज में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेज ये होता है कि मामूली क्षति वाले भवनों की मरम्मत, ऐसे भवन जिसमें बहुत कम रिपेयर की आवश्यकता है, जैसे कि कोई हमारी बिल्डिंग्स हैं उसमें हल्के फुल्के दीवार्स में क्रैक आई है, वहाँ के डोर्स में क्रैक आई है, या फिर वहाँ पे हल्के फुल्के स्लैब्स में पपड़ी जम गई है, या फिर हल्के फुल्के क्रैक्स हैं, तो उनको हम रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है अधिक क्षतिग्रस्त वाले भवनों को अधिकृत करना, मतलब कोई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसमें ज़्यादा नुकसान हो गया है, वहाँ की स्लैब टूट चुकी है, कॉलम बकल्स कर गए हैं, बिल्डिंग वहाँ पे ज़्यादा जर्जर हो गया, तो वहाँ पे है हमको उनको क्या करना है, ड्रिल करना है, या फिर वहाँ पे हमको रेट्रोफाई करना है उनको। तीसरी इस तरह की संरचना आती है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है बनाने का। तो इस तरह की संरचना को हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से तोड़ देते हैं, फिर हम इसकी संरचना का पूरा निर्माण करना ही उचित होता है। अब रेट्रोफिटिंग जो होता है इसके बहुत सारे टेक्निक्स डेवलप हो गए हैं रेट्रोफिटिंग के। तो पहला टेक्निक ये है कि अगर कोई हम पुरानी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, किसी पुरानी बिल्डिंग को डेवलप कर रहे हैं तो उसके तरीके अलग हैं, और किसी एकदम हम नई बिल्डिंग को बना रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसके बिल्डिंग्स अलग हैं। अब एक्चुअली हमको जैसे पुराने बिल्डिंग को रेट्रोफाई करना है तो हम स्लैब की जैकेटिंग कर सकते हैं, बीम्स की जैकेटिंग कर सकते हैं, एंड कॉलम्स की जैकेटिंग कर सकते हैं, उनका जो कॉर्नर है जहाँ पे बीम कॉलम स्लैब जॉइंट हो रहे हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, वहाँ की जो फाउंडेशन है फाउंडेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेम अगर हम कोई न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम सीयर वॉल प्रोवाइड कर सकते हैं, इनफिल्स वॉल प्रोवाइड कर सकते हैं जिसे भराव दीवारें भी कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम पुस्ता लगा सकते हैं, वहाँ पे हम ब्रेसिंग्स लगा सकते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेसिंग्स, एक्स ब्रेसिंग्स, वाई ब्रेसिंग्स, जेड ब्रेसिंग, अलग अलग टाइप्स के ब्रेसिंग होते हैं। वहाँ का द्रव्यमान हम घटा सकते हैं, मतलब रिडक्शन ऑफ मास, जैसे कि जानते हैं हम किसी बिल्डिंग में बिल्डिंग हमारी ऊपर की तरफ जाती है तो हम अपने बिल्डिंग्स के वेट को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वेट को हम कम कर देते हैं, मास को कम करते हैं, उससे क्या होता है बिल्डिंग में ट्विस्टिंग या फिर कोई भी ट्विस्टिंग फोर्स या सीयर फोर्स ज़्यादा डेवलप नहीं होता। आगे आता है अब बेस आइसोलेशन, आधार विलग्नन, तो इस तरह की सारी टेक्निक्स हम करते हैं जो कि टेक्निक्स हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, दूसरी वीडियो में हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू।